गेंडा बहुत ही प्यासा होता है और तभी इसको चट्टानों के नीचे थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, लेकिन उसका मुंह चट्टानों के नीचे नहीं जा पाते हैं। और तभी वो एक आइडिया सोचता है। उसके बाद ये एक लंबा सा बांस काटता है और उस बांस से एक पाइप बना लेता है। उसके बाद वो उसी बांस को चट्टानों के नीचे पानी के अंदर डालता है, लेकिन दोस्तों इस पाइप में कुछ फंस गया था इसलिए वो पानी नहीं पी पाता है। लेकिन इस गड्ढे का सारा पानी इस पाइप के अंदर फंस जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो क्या करता है, उस पाइप को जोर से फूंक मारता है जो कि उस पाइप में से सारा पानी निकल कर हवा में उछलने लगता है। तभी वो गेंडा पानी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है और ये पानी जाकर एक हरे भरे पत्ते पर गिर जाता है। तभी उस पौधे के नीचे वाले पत्ते पर वो अपना मुंह डाल देता है, लेकिन यहाँ पर भी उसको पानी नसीब नहीं होता और ये पानी जाकर एक बिल में गिर जाता है। तभी इस बिल में से पानी कहीं जाने लगता है, ये पानी के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। उसके बाद ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये रेस्ट करने लगता है। तभी वो देखता है मेरे सामने सारी समुद्र का पानी गिरा है, लेकिन तभी उस बिल में से पानी निकल कर उसके मुंह में आ जाता है। जब देता है चप्पर फाड़ के।